सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ वी आर इन्फॉर्मर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस, उभरते हुए बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें कार्तिक आर्यन का नाम पहले स्थान पर रहेगा। एक आउटसाइडर होने के बावजूद उन्होंने बहुत ही कम समय में हिंदी सिनेमा में अपनी जड़ें मजबूत की हैं। मौजूदा समय में हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 के धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर उनके नाम की चर्चा हो रही है। ये लेटेस्ट फिल्म रिलीज के 3 दिन में अब तक 100 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार कर चुकी है। लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि भूल भुलैया 3 से पहले भी कमाई के मामले में उनकी फिल्में गर्दा उड़ा चुकी हैं? तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को कार्तिक आर्यन की टॉप 5 फिल्मों के कारोबार के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड धमाकेदार, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे आपको। चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस लिस्ट की सबसे फर्स्ट मूवी है सोनू के टीटू की स्वीटी। 2018 यानी कि 6 साल पहले से कार्तिक आर्यन के एक सुपरस्टार और बॉक्स ऑफिस का राजा बनने का सफर फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी के जरिए शुरू हुआ था। सनी सिंह और नुसरत भरूचा के साथ मिलकर कार्तिक ने इस मूवी के जरिए दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार निर्देशक लव रंजन की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 108.95 करोड़ का कारोबार किया था और ये कार्तिक के करियर की पहली 100 करोड़ वाली फिल्म थी। दोस्तों, लिस्ट की अगली मूवी है लुका छुपी। सोनू के टीटू की स्वीटी के 1 साल बाद कार्तिक आर्यन एक्ट्रेस कीर्ति सेनन संग फिल्म लुका छुपी लेकर आए थे। इस रोमांटिक कॉमेडी मूवी के जरिए कार्तिक एक बार फिर से फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहे और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 94.75 करोड़ का कारोबार किया था। दोस्तों, इस लिस्ट की अगली मूवी है पति पत्नी और वो। साल 2019 कार्तिक आर्यन के लिए बेहद खास रहा। लुका छुपी के बाद इसी साल कार्तिक आर्यन की दूसरी सफल फिल्म पति पत्नी और वो रिलीज हुई थी। भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे संग कार्तिक ने इस फिल्म में रोमांस किया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 86.89 करोड़ की कमाई की थी और फिल्म एक शानदार ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों, इस लिस्ट की अगली मूवी है भूल भुलैया 2। कोविड महामारी के चलते कुछ सालों के लिए कार्तिक आर्यन भी सिनेमाघरों से गायब रहे थे। इसके बाद साल 2022 में कार्तिक ने हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 के जरिए एक नया इतिहास लिखा। कोरोना काल की पहली ब्लॉकबस्टर के तौर पर इस मूवी को जाना जाता है। बॉक्स ऑफिस पर भूल भुलैया 2 ने कुल 185 करोड़ रुपए की ताबड़तोड़ कमाई की थी और ये कार्तिक आर्यन की करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों, इस लिस्ट की अगली मूवी है सत्य प्रेम की कथा। भूल भुलैया 2 के बाद कार्तिक आर्यन एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के साथ फिल्म सत्य प्रेम की कथा में नजर आए थे। रोमांटिक थ्रिलर के तौर पर थिएटर्स में इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई 77.55 करोड़ रुपए रही थी। जिस तरह से फिलहाल कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है, उसे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह मूवी उनके करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक आर्यन के करियर की 5 सबसे जबरदस्त फिल्में जिन्होंने कि बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाकर रख दिया था। इनमें से आपने कौन सी फिल्म देखी है और कौन सी फिल्म आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलता हूं आपसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।